Hello everyone, this is Avaranjan. In this video, I am going to talk about the SEO. SEO stands for Search Engine Optimization. It is a process to increase visibility of a website in search results of a search engine. तो अगर मैं सर्च इंजन की बात करूं जो आमतौर पे यूज में लिया जा रहा है वो है गूगल। गूगल में अगर आप चाहते हैं कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो वेबसाइट के रूप में है उसकी पोजिशनिंग आपको टॉप पे लेके आना है तो आपको एसईओ स्किल्स आनी चाहिए। तो एसईओ स्किल्स कैसे सीखा जाता है, किसके लिए एसईओ स्किल्स इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आपको गूगल पे टॉप पोजीशन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज के डेट में मैं देखा जाऊं तो जिस तरह से लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कुछ भी सर्विसेज या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज या किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी लेने के लिए लोग आम तौर पे गूगल पे सर्च करते हैं। अब जब वहां पे वो सर्च करते हैं तो उनके सामने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे सर्च रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं। तो सर्च रिजल्ट में वो तमाम जो एसईओ इनेबल्ड वेबसाइट्स हैं उनकी रैंकिंग आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस का वेबसाइट भी टॉप पे आए तो आपको एसईओ आनी चाहिए। अब जो जिस ये पूरे इनपुट टेक्स्ट पे सर्च रिजल्ट डिस्प्ले होता है उसको कहा जाता है कीवर्ड्स। तो आपको क्या करना है कि कीवर्ड्स अच्छे तरीके से फिगर आउट करना आपके बिजनेस के लिए और फिर उन पे एसईओ स्किल्स ऑप्टिमाइज करके आपको उन पे रैंकिंग लेके आना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत कमाल का चीज है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट बिजनेस, डायरेक्ट आपके लीड्स को रिप्रेजेंट करता है। आम तौर पे अगर जो मैं बात करूं तो आज की डेट में लेट सपोज किसी को एसी रिपेयर करवाना है तो वो गूगल पे सीधे लिखता है एसी रिपेयर सर्विस नियर मी या एसी रिपेयर इन जयपुर, कोई भी लोकलिटी बेस्ड सर्चेस करता है। अगर उनमें आप अपनी पोजिशनिंग लेके आते हैं तो वहां से आप डायरेक्ट सेल्स लीड्स कन्वर्जन जनरेट कर सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जैसे अगर जो मैं बात करूं, मैं पिछले 9 साल से इस लाइन में हूं, तो मैं देखता था कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिसकी सर्चेज 150-200 रहते थे, आज उसकी सर्चेज 4,000-5,000 बढ़ते जा रहे हैं। यानी जो भी कीवर्ड एक समय में कम सर्चेज में डील कर रहा है आज वो हाई ट्रैफिक की कीवर्ड बन चुका है, उस पर अगर जो आप रैंकिंग लेके आते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जितना आसान ये दिखता है उतना आसान होता नहीं, हर कोई ये चीज इनेबल नहीं कर सकता है, वही इस चीज को इनेबल कर सकता है जिसको एसईओ अच्छे तरीके से आता है। तो मैं इस पूरे लर्निंग सीरीज में आपको कंप्लीट एसईओ सिखाऊंगा। एसईओ में 4 टाइप्स पे एसईओ के मैं बात करूंगा। जैसे हम लोग ऑन पेज एसईओ सीखेंगे जिसमें हम लोग वेबसाइट ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके सोर्स कोड में कुछ बदलाव करेंगे, उसको एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे। फिर हम लोग ऑफ पेज एसईओ सीखेंगे जिसमें हम लोग लिंक बिल्डिंग करेंगे, वेबसाइट के ऑथोरिटी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि गूगल उसको रैंकिंग में टॉप पोजिशन ला के दे। फिर हम लोग लोकल एसईओ सीखेंगे, जो भी लोकल कीवर्ड है चाहे वो लोकलिटी बेस्ड हो या नियर मी से रिलेटेड कीवर्ड है उस पर कैसे रैंकिंग लेके आते हैं वो हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग टेक्निकल एसईओ सीखेंगे, टेक्निकल एसईओ में हम लोग जो टेक्निकलिटी पार्ट है जैसे वेबसाइट की यूजर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, लोडिंग टाइम क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन वेबसाइट का क्या मैटर करता है, सिक्योर साइट कैसे बनाया जाता है, ये सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि एसईओ किन के लिए जरूरी है। तो देखिए, एसईओ एक ऐसा आज की डेट में स्किल्स है जो हर को जीवन में एक बार सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके बिजनेस को आगे ले जाने में मदद करेगा, आपको खुद की अगर जो पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो उसमें मदद करेगा, कोई हाउसवाइफ कोई फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है तो भी एसईओ के बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें, कोई फ्रेशर अगर जो चाहते हैं कि वो अपने आप को एक अच्छा स्किल्स में अपने प्रोफाइल बनाए तो एसईओ उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर स्टार्टअप ओनर चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करें तो उनके लिए भी एसईओ काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप गूगल पे रैंकिंग बनाते हैं। और एक बहुत सुप्रसिद्ध कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है और जहां दिखता है वहीं बिकता है। तो अगर आप गूगल पे जहां पे पूरा साम्राज्य इंटरनेट का ऑलरेडी इनेबल हो चुका है तो वहां पे अगर आप अपनी प्रेजेंस बनाते हैं एसईओ के थ्रू तो आप कमाल का ट्रैफिक, कमाल का लीड जनरेशन, कमाल की वैल्यू प्रीपोजिशन आप वहां से जनरेट कर सकते हैं। तो पूरे लर्निंग सीरीज में आपको इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। और एक बात और कि मैं यहाँ पे बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक एसईओ को कवर कर रहा हूं और एडवांस लेवल पे जो इसका अपर वर्जन है वो आपको बता दिया जाएगा कि कहां से आप एसईओ के एडवांस लेवल को सीख सकते
सकते हैं और अपनी एक्सपर्टीज को बहुत ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ एसईओ को अच्छे तरीके से सीखेंगे और एसईओ पे अच्छा काम करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि एसईओ के जो भी कोर्स है उसमें अपने आप को एनरोल करें और एक अच्छे स्किल्स को जो आपको लाइफ टाइम वैल्यू देगा उसमें अपने आप को एक्सपर्टीज लेके आए। मेरे साथ आप पूरे एसईओ को सीख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।